दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पहली खबर में देखिए, बिहार में 20 जनवरी तक मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, घने कोहरे से कराएगा बिहार। जी हां देखिए, बिहार में 20 जनवरी तक कोल्ड डे रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में काफी गिरावट का पूर्वानुमान है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में शीतलहर, बदली या पाला जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री तक गिर सकता है। शीतलहर शीत दिवस की स्थिति 20 जनवरी तक बनी रहेगी। पत्तेदार फसलों को पाला मार सकता है। आलू, गोभी, टमाटर आदि पौधों को पाला का सबसे अधिक खतरा है। वहीं देखिए, मौसम विभाग के अनुसार विशेषकर राज्य के मध्य तथा दक्षिणी भागों में हवा चलने के कारण ठंड ज्यादा महसूस होगा। ठंड आर्कटिक उत्तर पश्चिम जेट स्ट्रीम के कारण बिहार में शीतलहर है। जेट स्ट्रीम उत्तर भारत से होकर गुजर रहा है। यह मौसम मनुष्य और पशु ही नहीं फसलों पर भी अपना प्रभाव छोड़ रहा है। हवा में मॉइस्चर सबसे निचले स्तर पर रहने से लोगों के होंठ फटने की संभावना बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। 16 से 18 जनवरी के बीच औसत न्यूनतम तापमान वर्तमान तापमान से 4 से 6 डिग्री नीचे जा सकता है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में नौकरियों की बहार, नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में इतनी वैकेंसी को दी मंजूरी, जल्द होगी बहाली। जी हां देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में 199 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके बाद इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट द्वारा बीएम मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुल 18 विषयों में स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना के साथ ही पटना विश्वविद्यालय पटना में बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना की गई है। पटना लॉ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के कुल 148 पदों का सृजन और शिक्षेत्र कर्मियों को 41 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इससे विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा और शोध के क्षेत्र में लाभ होगा। सामान्य प्रशासन विभाग पटना के मुख्यालय स्थापन के लिए 5 नए वाहन चालकों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बड़ी खबर में देखिए, पटना, मुजफ्फरपुर, रांची और जमशेदपुर में जियो ट्रू 5G लॉन्च, मकर संक्रांति पर देश के 16 शहर हुए कनेक्ट। जी हां देखिए, बिहार की राजधानी पटना और उत्तर बिहार का गौरव मुजफ्फरपुर में रिलायंस जियो ने अपनी ट्रू 5G सेवाएं लॉन्च कर दी है। पटना साहिब से लेकर दानापुर तक और मुजफ्फरपुर के शहरी इलाकों में अब 5G का कवरेज मिलेगा। वहीं भगवान बिरसा मुंडा की भूमि झारखंड की राजधानी रांची और स्टील सिटी जमशेदपुर में कल से यह सेवा शुरू हो गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को देश भर के 16 शहर जियो के ट्रू 5G नेटवर्क से जुड़ गए। वहीं देखिए, एयरटेल 5G प्लस सेवा बिहार के 4 शहरों में हुई शुरू, इन इलाकों में मिलेगी हाई स्पीड सर्विस। जी हां देखिए, भारत के अग्रणी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर भारतीय एयरटेल ने कल मुजफ्फरपुर, बोधगया और भागलपुर में अपने अत्याधुनिक 5G सेवाओं के शुरू करने की घोषणा की है। बता दें कि पटना में पहले से ही एयरटेल की 5G सेवाएं उपलब्ध है। एयरटेल 5G प्लस सेवाएं चरणबद्ध तरीके से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। 5G सक्षम डिवाइस वाले ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के तेज एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क का उपयोग तब कर सकते हैं जब तक कि रोल आउट अधिक व्यापक ना हो जाए। एयरटेल 5G सेवाएं वर्तमान में बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, बोधगया और भागलपुर में उपलब्ध है। बड़ी खबर में देखिए, रामचरित्र मानस पर महाभारत जारी, जेडीयू का आरजेडी से दो टोक, शिक्षा मंत्री पर जल्द फैसला करे पार्टी। जी हां देखिए, रामचरित्र मानस पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की विवादित टिप्पणी से मचा घमासान थमता नहीं दिख रहा है। भाजपा की ओर से लगातार तीखे प्रहार जारी है। इसी बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी का स्टैंड स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि जदयू सभी धर्मों का सम्मान करता है। जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस विवाद के बहाने राजद पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि राजद नेताओं के बयान भाजपा को लाभ पहुंचाने वाले हैं। पार्टी के MLC नीरज कुमार पटना के राजवंश नगर हनुमान मंदिर परिसर में रामचरितमानस का पाठ कर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया है। वहीं राजद शीर्ष नेतृत्व ने अब तक इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। देखिए, जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने कहा कि कौन क्या बोलता है इससे मतलब नहीं है। जदयू का स्टैंड स्पष्ट है,
राजद के नेता क्यों बोलते हैं यह उस दल का अंदरूनी मामला है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी इस मसले पर जल्द फैसला करे क्योंकि शिक्षा मंत्री के बयान से विपक्षी दलों को मौका मिल रहा है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में नगर सरकार को मिल गई विकास के लिए राशि, वित्त आयोग से 1870 करोड़ जारी। ज्यादा देखिए, बिहार के सभी नगर निकायों में अब नई नगर सरकार का गठन हो गया है। उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में विकासात्मक योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए केंद्र की तरफ से 15वें वित्त आयोग से अब तक 766 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ये रुपये सभी नगर निकायों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1892 करोड़ की राशि देने का प्रावधान भी रखा गया है। शेष राशि जारी नहीं होने के पीछे मुख्य वजह नगर निकायों की तरफ से यूसी का जमा नहीं होना है। सभी नगर निकायों के पास वर्तमान में करीब 10,000 करोड़ रुपए के खर्च का यूसी यानी कि उपयोगिता प्रमाण पत्र का बकाया है। बड़ी खबर में देखिए, पटना समेत 11 जिलों में जम्मू दिल्ली से भी ज्यादा ठंड। बर्फीली हवा से कांपा पूरा बिहार, चपरा सबौर सबसे ठंडा, 6 डिग्री पहुंचा पारा। जी देखिए, बर्फीली हवाओं के चलते पूरा बिहार ठंड से कांप उठा है। बिहार में दिल्ली और जम्मू से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। भागलपुर, पटना, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, छपरा, सबौर सहित 11 जिलों में दिन का तापमान और रात का तापमान दिल्ली, देहरादून, जम्मू से भी कम है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में ठंड से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसी दौरान बिहार में उच्च दबाव वाले क्षेत्र का प्रभाव है और 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवाएं चल रही है। इसकी वजह से सुबह और दोपहर के बाद तेज ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि धूप और उच्च दबाव के क्षेत्र की वजह से घने कोहरे का प्रभाव है। बिहार में अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन बिहार के अधिकांश जिलों में 72 घंटे से निकली धूप के प्रभाव की वजह से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बड़ी खबर में देखिए, दरभंगा के तारामंडल में 1 महीने तक चलेगा स्पेशल शो। सरकारी स्कूल के बच्चों को मुफ्त में दिखाया जाएगा, जल्द ही आम लोग भी ले सकेंगे आनंद। जी देखिए, दरभंगा का तारामंडल शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी स्पेशल शो ही चलेगा। उम्मीद है कि 1 महीने के बाद सभी के लिए खुल जाएगा। 2D और 3D के माध्यम से यह दिखाया जाएगा। हालांकि आम लोगों को अभी इसमें आने पर रोक लगी है। इससे जुड़े लोगों का कहना है कि कुछ काम अधूरा रहने के कारण भीड़ को रोकने का निर्देश दिया गया है। 1 महीने तक विभिन्न सरकारी स्कूल के बच्चों को शो दिखाया जाएगा। इसकी सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाएंगे। इन स्कूली बच्चों को मुफ्त में दिखाने का प्रावधान किया गया है। शेष बचे काम को पूरा करने में विशेषज्ञ और मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि जल्द ही आम लोग भी इसका आनंद ले सकेंगे। बड़ी खबर में देखिए, RJD सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ी। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में केस चलाने को हरी झंडी। जी देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सिंगापुर के अस्पताल एडमिट RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती दिख रही है। लालू यादव के खिलाफ एक और मामले में सरकार ने CBI को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। लालू यादव के खिलाफ यह मामला जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़ा हुआ है। इस मामले की जांच CBI पहले से कर रही है और अब केंद्र सरकार ने CBI को इस बात के लिए हरी झंडी दे दी है कि लालू यादव के ऊपर केस चलाया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। CBI ने लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में जांच करते हुए आरोप पत्र गठित किया था। इस मामले में राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर पटना में छापेमारी भी हो चुकी है। दरअसल लालू यादव के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में नौकरी दे दी और इसके बदले अपने परिवार के नाम पर लोगों से जमीन ली है। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, राज्य की नदियों होगी स्वच्छ, बनेंगे बड़े बड़े सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। यह देखिए, नीतीश कुमार ने शुक्रवार के कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। बिहार की विभिन्न नदियों में गिरने वाले 173 नालों के मल जल की सफाई की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट द्वारा 161,62,00,000 की स्वीकृति दी गई है। इसमें उत्तर बिहार के 29 शहरों और दक्षिण बिहार के 28 शहरों के नालों का गंदा पानी नदियों में गिराया जाता है। NGT के आदेश के बाद कैबिनेट द्वारा इन नदियों में गिरने वाले सभी नालों के पानी के बायो रिमेडिएशन के माध्यम से साफ कर गिराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 6 और 7 मार्च को होगी G20 की बैठक। देश के 30 प्रतिनिधि होंगे शामिल। ये की जा रही ऐतिहासिक तैयारी। यह देखिए, भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 शिखर सम्मेलन की 200 अलग अलग बैठकें होगी, जिसमें से कुछ बैठकों की मेजबानी बिहार को भी मिली है। इस ऐतिहासिक मेजबानी के लिए बिहार ने तैयारी शुरू कर दी है। इस सम्मेलन में 30 राष्ट्रों के अलावा 5 आमंत्रित सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं देखिए, बिहार आने वाले अतिथियों का स्वागत किस तरह से किया जाए, इसकी ट्रेनिंग पर्यटन क्षेत्र से जुड़े होटल व्यवसायी और दूसरे साझेदारों को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि G20 में 19 देश शामिल है। इस देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस और यूरोपीय संघ शामिल है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए दी जाती है प्रोत्साहन राशि। इस वर्ष 7,616 छात्रों को मिली राशि। याद है कि बिहार सरकार ने मेघावी छात्र छात्राओं को यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं में पास करने के लिए 2018-19 में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अब तक करीब 5 साल में 7,616 छात्र छात्राओं को लाभ मिला है। इनमें सामान्य वर्ग के छात्राओं की संख्याओं को शामिल नहीं किया गया है। सरकार ने अब सामान्य कोटे के महिला कोटे के अभ्यर्थियों को भी इस योजना का लाभ देने की घोषणा की है। योजना के तहत बीपीएससी यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पीटी में पास होने पर पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राशि दी जाती है, जिनमें से बीपीएससी पीटी पास होने पर 50,000 और यूपीएससी पीटी पास होने पर 1,00,000 रुपये दिए हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में इस साल 2 नए NH पर शुरू होगा आवागमन। सीमांचल से पश्चिम बंगाल जाना हो जाएगा आसान। या देखिए, बिहार के सीमांचल इलाके में इस वर्ष 2 नए राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन की सुविधा शुरू हो जाएगी। करीब 143 किलोमीटर लंबाई में नए बन रहे अररिया गलगनिया और नरेनपुर पूर्णिया फोरलेन NH पर इस साल भी आवागमन शुरू हो जाएगा। इन दोनों सड़कों से होकर आवागमन शुरू होने से बिहार के कई जिलों से पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र की सीमा तक का सीधा संपर्क हो जाएगा। इसके अलावा अररिया गलगनिया सड़क के समानांतर ही इंडो नेपाल बॉर्डर रोड का भी निर्माण हो रहा है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब कैंसर व किडनी की दवाएं मुफ्त में मिलेगी। जानिए और किन गंभीर रोगों की दवाएं मिलेगी निःशुल्क। जी हां देखिए, बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को अब गंभीर बीमारियों की दवाएं भी मुफ्त में मिलेगी। अब कैंसर और किडनी की बीमारी की दवा भी बाहर से नहीं खरीदनी होगी, बल्कि सरकारी अस्पताल में ही ये उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही बीपी और शुगर जैसे गंभीर बीमारियों की दवाएं के प्रकार भी बढ़ाए जाएंगे। अब 300 तरह की दवाइयों का और इजाफा अस्पतालों में कराया जाएगा। वहीं देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के अस्पतालों में कैंसर, किडनी, मनोरोग और डायलिसिस जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के दौरान आप दवाएं भी निःशुल्क ले सकेंगे। कई और बीमारियों की दवाइयों को मुफ्त में मुहैया कराने की व्यवस्था कार्य जुटी है। नई दवाइयों की सूची में मानसिक रोगियों के लिए 144 तरह की दवाइयां रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।